अक्षय कुमार और अजय देवगन की राह पर चले ऋतिक रोशन। आज हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन के बारे में। इससे पहले आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पागल बॉलीवुड, आपको पता ही होगा कि अक्षय कुमार और अजय देवगन कॉमेडी के धुरंधर कहे जाते हैं। अक्षय कुमार की हाउसफुल सीरीज देख लो या हेरा फेरी सीरीज देख लो, अजय की गोलमाल सीरीज देख लो, दोनों कॉमेडी के किंग कहे जाते हैं बॉलीवुड में। लेकिन अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ एक और नया स्टार अभी जुड़ने जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, ऋतिक रोशन अब एक कॉमेडी फिल्म करने वाले हैं। हाल ही में ऋतिक रोशन ने दिए इंटरव्यू में बताया है कि मैं एक कॉमेडी फिल्म करना चाहता हूँ। पिंक विला को दिए इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने बताया है कि मैं एक कॉमेडी स्क्रिप्ट अच्छी सी देख रहा हूँ जिसपे मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ और अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढ रहा हूँ। ऋतिक रोशन की इससे पहले हमें मास और मसाला ही फिल्में देखी है और कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन को हमने कॉमेडी अवतार में कम देखा है। अगर ये एक्सपेरिमेंट ऋतिक रोशन करते हैं तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ऋतिक रोशन को अभी मास मसाला फिल्मों में देख देख के पब्लिक भी थोड़ी बोर हो चुकी है। इसका असर हमें फाइटर मूवी में देखने को मिल रहा है। फाइटर के अलावा ऋतिक रोशन के पास वार 2, क्रिस 4 जैसी फिल्में पड़ी है, लेकिन उससे पहले ऋतिक रोशन एक कॉमेडी फिल्म करना चाह रहा है। अगर ऋतिक रोशन कॉमेडी फिल्म करते हैं तो देखने लायक रहेगा, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट ट्राई करता है तो उसमें मजा रहता है। ऋतिक रोशन एक्शन या ऋतिक रोशन कॉमेडी, आप जरा सोच के देखिएगा। आप ऋतिक रोशन को कॉमेडी के अवतार में देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पागल बॉलीवुड।